आपने ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में सुना होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उनका सौंदर्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गिनती दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में होती थी। इतना ही नहीं, इस राजकुमारी को हॉलीवुड से कई ऑफर भी मिले थे। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं dilattu.com। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हम ऐसे ही रोचक जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तुर्की के ओटोमन राजवंश की आखिरी शहजादी नीलोफर को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। उनका जन्म तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के राजसी महल में हुआ था। नीलोफर के जन्म के समय तुर्की का राज परिवार आखिरी सांसें ले रहा था और उनका साम्राज्य उखड़ने ही वाला था। महज 2 साल की उम्र में नीलोफर ने अपने पिता को खो दिया। 7 साल की उम्र में वे अपनी माँ के साथ तुर्की छोड़कर फ्रांस आ गए। फ्रांस में उनकी ज़िंदगी कठिन और साधारण लोगों की तरह हो गई थी, क्योंकि अब तो वो राजा महाराजा रहे नहीं। नीलोफर ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नीलोफर किस्मत की धनी थी और दुनिया के सबसे धनी राज परिवार हैदराबाद के निज़ाम की बहू बनी। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम ने नीलोफर को अपने दूसरे बेटे आजम जेह के साथ शादी के लिए चुना। साल 1931 में शादी के बाद नीलोफर पहली बार हैदराबाद आ गई। कहा जाता है कि नीलोफर ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि उनमें गजब का आकर्षण भी था। शादी के बाद नीलोफर जब हैदराबाद आई तो निज़ाम के परिवार में महिलाओं के लिए पर्दा का रिवाज था उस वक्त, लेकिन वे कभी पर्दे में रही ही नहीं, बल्कि निज़ाम परिवार के महिलाओं के सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाज़ा खोल दिया। नीलोफर हैदराबाद की पार्टियों में, समारोह में, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। अक्सर उन्हें किसी समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाने लगा। लेकिन नीलोफर के तौर तरीकों से निज़ाम की बेगम दुल्हन पाशा काफ़ी नाराज़ रहने लगी थी। ऐसा कहा जाता था कि बेगम अपनी बहू को जहर देकर मरवाना भी चाहती थी। नीलोफर राजसी परिवार के होने के साथ साथ फैशन डिवा भी थी। उनकी पहनी हुई साड़ियों की तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगती थी। नीलोफर की साड़ियों को बनाने का काम फ्रांस की एक बड़ी फैशन फर्म करती थी। लेकिन समय वो भी आया जब उन्होंने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया और पश्चिमी लिबास को पहनना शुरू कर दिया। 1948 में जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया तो नीलोफर उस समय फ्रांस की यात्रा पर थी और पेरिस में ही रुक गई। नीलोफर जब फ्रांस से वापस लौटी नहीं तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। 1952 में उन्होंने तलाक ले लिया, जिसमें उन्हें बहुत मोटी रकम मोहर के तौर पर मिली। इस रकम का बड़ा हिस्सा उन्होंने हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने में दे दिया। नीलोफर अपने समय की सुंदर महिलाओं में से एक थी। कई वर्ल्ड मैगजीन ने तो उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में चुना था। अपने शौहर को तलाक देने के बाद वो फ्रांस में ही अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। उस दौरान नीलोफर कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले थे, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अमेरिकी युवक एडवर्ड पॉप से शादी कर ली और साल 1989 में राजकुमारी नीलोफर का निधन हो गया। तो कैसा लगा आपको हैदराबाद की वो राजकुमारी के बारे में जान करके जिनकी खूबसूरती की दुनिया कायल थी? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवारों के साथ साझा भी करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, धन्यवाद।